नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, यह चैनल आप ही का चैनल है, यह चैनल मेरे प्रत्येक भारत के किसान भाइयों का चैनल है और ये किसानों की आवाज़ का चैनल है। तो सबसे पहले मैं आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब भी आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है, उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाते रहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, आज का विषय है खेतीबाड़ी का। खेतीबाड़ी के अंदर विषय रहेगा 10 57 टमाटर के बीजों की जानकारी देने का, 10 57 टमाटर के बीज का सही समय पे कैसे लगाया जाए, तो इसी के बारे में 10 57 के बीजों के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। मेरे किसान भाइयों, भारत से बहुत से किसान भाइयों का मेरे पास पर्सनली फ़ोन आया और वो बोलते हैं कि 10 57 टमाटर हमारे को नहीं मिलता है, बाज़ार के अंदर नहीं मिलता है। तो मैं उन किसानों को ये बोलता हूँ कि अगर 10 57 टमाटर आपको बाज़ार में नहीं मिलता है, सिजेंटा का जो सिजेंटा कंपनी ने विकसित किया है 10 57 टमाटर को, अगर सिजेंटा कंपनी का आपको 10 57 टमाटर बाज़ार में नहीं मिलता है तो इसी से मिलता जुलता कोई भी टमाटर लगा सकते हो आप। 10 57 टमाटर कैसे आता है वो मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। ये हमेशा 10 57 टमाटर क्या है कि लाल पका हुआ टमाटर बाज़ार में बिकता है, बिल्कुल लाल टमाटर बाज़ार में बिकता है और इसकी डिमांड बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। होटलों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर और घरों के अंदर 10 57 टमाटर की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। तो ये हमेशा टमाटर नॉर्मल टमाटर से 4-5 रुपए किलो महंगा हमेशा बिकता है और ये लंबा भी चलता है। ये कम से कम नॉर्मल टमाटर से ये 1-1.5 महीना ज़्यादा चलता है ये 10 57 टमाटर। अब इसका सही समय पर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 57 टमाटर को सही समय पे नहीं लगाओगे इस टमाटर को, तो अगर गलत समय के अंदर लगा दिया तो इस टमाटर के अंदर वायरस 100% आएगा, 100% आएगा। तो इसका मैं समय आपको मैं बता देता हूँ कि आज हो गई है 2 दिसंबर 2019 हो गई है। तो इस टमाटर को आप 15 दिसंबर के बाद में लगाएं, 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक आप इस टमाटर को लगा सकते हो आप। अब सवाल यह है कि आप 15 दिसंबर को लगाओगे इस टमाटर को, 15 दिसंबर के बाद में 20 दिसंबर को लगा दिया तो ये अगेतर टमाटर हो जाएगा। अगर आप 25 टमाटर लगाते हो तो इस टमाटर की नर्सरी आप करो जनवरी के अंदर करो आप इसकी, तो जितना लेट करोगे उतना आपका ये 75 टमाटर हो जाएगा और जितना आप ज़्यादा अगेता करोगे 15 दिसंबर के आसपास करोगे तो ये अगेतर टमाटर हो जाएगा। 15 दिसंबर से पहले इस टमाटर को मेरे किसान भाइयों लगाना मत, और स्पेशल तौर पे सर्दी जब लगाए तो ये देख लीजिए, मैं इस जगह नर्सरी कर रहा हूँ, शाम का समय है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इसके अंदर अभी मैं क्यारियाँ बना रहा हूँ, जो भी क्यारी आपकी रहनी चाहिए 4 4.5 x 8 की क्यारी मान लो या 7.5 की क्यारी मान लो, तो 4.5 फुट इसकी चौड़ाई और 8 फुट लंबाई क्यारी की, तो 4 x 8 की क्यारी बढ़ा सकते हो और इसी के अंदर नर्सरी अच्छा खाद डालो। अब बात करते हैं इसकी कि ये इस टमाटर की मैंने एक खासियत और देखी है, ये गर्मी में सूटेबल टमाटर है, गर्मी के अंदर ये सूटेबल टमाटर है। अगर मार्च के अंदर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसके फ्लोर आराम से रुकते हैं और प्रोडक्शन इसका बढ़िया मिलता है। गर्मी के लायक भी ये टमाटर बहुत बढ़िया है, मार्केट भाव में भी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्शन के अंदर भी ये बढ़िया है। परंतु इसका लगाने का जो समय है वो मैंने पहले ही बता दिया है, 15 दिसंबर के बाद के अंदर ही इसकी नर्सरी करें किसान भाइयों। और अगर 15 दिसंबर से पहले आप इसकी नर्सरी करोगे तो इसके अंदर 100% वायरस आएगा टमाटर के अंदर। और अगर 75 आपको 75 टमाटर करने हैं तो ये मान लो जनवरी के अंदर नर्सरी कर लो, ये थोड़े बहुत 15-20 दिन 75 हो जाएंगे टमाटर। तो ये गर्मी के सूटेबल भी है और मार्केट में इसकी रेट भी सही मिलती है। अब इसको इसका मैं पास से प्राइस बता देता हूँ ये कैसा है। पहले तो क्या था, इसमें 10 ग्राम बीज आता था, आजकल कंपनी ने क्या किया कि इसकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण और ये टमाटर बढ़िया होने के कारण मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने के कारण बीजों का रेट भी मतलब रेट तो वही है पर इसकी जो क्वान्टिटी है वो कम कर दी। अब इसकी बात करते हैं पीछे से, आगे से ले लेते हैं। पहले ये है सिजेंटा, सिजेंटा कंपनी ने इस टमाटर को विकसित किया है और ये है टमाटो हाइब्रिड 10 57। ये पैकेट इस तरह का आएगा, ऊपर का जो रैपर है ऊपर का इस तरह का आएगा, ये देख लीजिए। मेरे किसान भाई आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं इसके, तो इसके पीछे का रैपर देखते हैं। तो ये कंपनी की प्रोफाइल है, तो
ऊपर से चलते हैं अपन, तो ये इस पे रेट दे रखी है 2060 रुपये। तो ये मैं लेके आया था 1650 रुपये का, ये लेके आया था 1650 रुपये का, ये मैं पैकेट लिया है। और इसके अंदर 3000 बीज आते हैं इस पैकेट के अंदर, और जो बीजों की क्वांटिटी है वो 3000 बीज आएंगे, पूरी गिनती के बीज है इसके अंदर। और वेट की बात करते हैं तो 7.6 ग्राम इसके अंदर बीज आते हैं। और इसका जो कई किसान भाई ऐसे भी है कि जिनको भाई ये ही चाहिए, ये उनको 10-57 बीज ही चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीज हम कहाँ से लें। तो मेरे किसान भाइयों, आपको एक एडवाइस और देना चाहूँगा मैं आपको कि सिजेंटा कंपनी प्रत्येक राज्य के अंदर, भारत के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर सिजेंटा कंपनी की ब्रांच है। तो आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, अपना लोकल एरिया का एड्रेस बता पूछ सकते हो कि हमारे एरिया के अंदर डीलर कौन है, कौन सा है। तो इसलिए सिजेंटा कंपनी ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। तो ये इसका एड्रेस, ईमेल आईडी ये देख लीजिए, ईमेल आप ईमेल भी करोगे तो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगी इस कंपनी की। और टेलीफोन नंबर भी इसमें दे रखे हैं, ये देख लीजिए टेलीफोन नंबर है, और ये टोल फ्री नंबर है, ये आराम से देख लीजिए आप। तो मेरे किसान भाइयों, ये क्या है, ये आपको एड्रेस मैंने ये दे दिया है आराम से। और इसके अंदर ये ज़रूर है कि एक बात और बताना चाहूँगा इस टमाटर के बारे में कि ये टमाटर इतना परफेक्ट टमाटर है, इतना बढ़िया टमाटर है मेरे किसान भाइयों कि आप एक बार लगाओगे, लगाने के बाद में आपको जो प्रॉफिट होगा वो स्वयं को पता लग जाएगा। परंतु आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत टमाटर लगा के देखिए, ये 10-57 टमाटर ये फ़ायदा का सौदा है, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। और अब बात करते हैं कि बीघे का कितना लगता है ये। तो मेरे किसान भाइयों, ये एक बीघे के अंदर, ये पैकेट तो है 7.6 ग्राम का, पर ये एक बीघे के अंदर 10 ग्राम बीज लगता है। 10-57 टमाटर का बीज एक बीघे के अंदर 10 ग्राम बीज लगता है। दूरी इसकी ज़्यादा रहनी चाहिए टमाटर की, कम से कम दूरी आप जब भी लगाए, वो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा 10-57 के ऊपर भी, और भी नर्सरी कैसे खेतों में ट्रांसलेट किया जाता है, पर कम से कम दूरी 1.25 फुट की दूरी इसकी रहनी चाहिए, क्योंकि ये पौधा फैलता है, ज़्यादा फैलता है ये पौधा। और बहुत ही ये मैंने अब बता दिया कि इस तरह का आप ये टमाटर 10-57 टमाटर लगा के देखना, शाम के सायकाल का वक्त है मेरे किसान भाइयों, और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है बहुत मुश्किल से, क्योंकि कल मैं वीडियो बनाता तो कल तो मैं नर्सरी कर देता। तो इसीलिए मैं मेरे किसान भाइयों, जैसे जैसे मैं खेती करता हूँ वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देता हूँ, जिससे आपका मार्गदर्शन हो। और भी मैं कौन कौन से टमाटर लगाने वाला हूँ मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं 20 बीघा टमाटर लगाने वाला हूँ। टमाटर की अलग अलग वेराइटी लगाऊँगा मैं, एक तरह का नहीं लगाऊँगा, तो और भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितने भी हो सके उतने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे उन किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, ये भारत का किसानों का आवाज़ का चैनल है, ये प्रत्येक किसान भाइयों का चैनल है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे आशा करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को भारत का सर्वश्रेष्ठ किसानों का चैनल बनाने में आप मेरा सहयोग करें। इसलिए इस वीडियो को, मेरे को इस जो वीडियो है इसको शेयर करें सभी किसान भाइयों के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री रहता है मेरे किसान भाइयों। और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।